स्टूडेंट्स, टुडे इन दिस वीडियो विल बी लर्निंग डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 8, 9, 10 एंड 11। तो सबसे पहले हम लोग 8 का देखते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द लास्ट थ्री डिजिट्स इन केस ऑफ फोर और मोर डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 8। जब फोर डिजिट नंबर हो या फिर फोर से ज़्यादा डिजिट्स वाले नंबर है तो हम लोग क्या देखते हैं, लास्ट थ्री डिजिट नंबर्स देखते हैं। अगर लास्ट थ्री डिजिट्स डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है। अगर लास्ट थ्री डिजिट 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर, फोर डिजिट का नंबर हो या फिर फाइव डिजिट का नंबर हो या सिक्स डिजिट का नंबर हो, तो पूरा नंबर वो 8 से डिविजिबल होता है। जब टू डिजिट का नंबर होगा तो डिवाइड करके देखेंगे, और जब थ्री डिजिट का नंबर होगा तब भी डिवाइड करके देखेंगे, 8 से डिवाइड करके देखेंगे। जब फोर या फोर से ज़्यादा रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट थ्री डिजिट्स देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सपोज 464 तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस नंबर को डिवाइड करेंगे 464 को, तो ये 5 टाइम्स में 40, रिमाइंडर आया 6, ऊपर से उतरा 4, 8 टाइम्स में 64, मतलब ये 58 टाइम्स में 464 डिविजिबल हुआ। तो वी कैन राइट इट, यस इट इज़ डिविजिबल बाय 8। लेकिन जब 3 डिजिट से ज़्यादा रहे, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रहे नंबर 250432, सिक्स डिजिट नंबर है, तो ये कैसे पता चलेगा कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं, तो हम लोग क्या देखेंगे, लास्ट थ्री डिजिट्स, मतलब ये जो वंस, टेंस और हंड्रेड पे जो नंबर्स है हम लोग उसको देखेंगे डिवाइड करके, तो पता चलेगा। अगर वो डिविजिबल होगा 8 से, ये जो लास्ट थ्री डिजिट नंबर है ये डिविजिबल होगा 8 से, तो मतलब ये जो नंबर है सिक्स डिजिट का वो भी डिविजिबल होगा 8 से। तो पहले चलिए देखते डिवाइड करके लास्ट थ्री डिजिट्स, तो ये फाइव टाइम्स में 40, रिमाइंडर 3, ऊपर से उतरा 2, और ये 4 टाइम्स में 32, मतलब 54 टाइम्स में 432 डिवाइड हो रहा है, मतलब ये जो नंबर है 250,432 ये भी डिविजिबल होगा 8 से। तो यस, 250,432 इज डिविजिबल बाय 8। कम टू सेकेंड, डेट इज़ 9। 9 का रूल है, जो 3 का रूल था वही 9 का भी रूल है। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 9 अगर 9 से पता करना है कि कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं, तो क्या करेंगे, हम लोग डिजिट्स का सम निकालेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सपोज पता करना है 50598 ये नंबर है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले सम निकालेंगे, डेट इज़ 5 + 0 + 5 + 9 + 8। तो 5 + 0 इज़ 5, 5 + 5 इज़ 10, 10 + 9 इज़ 19, एंड 19 + 8 इज़ 27। ये 27 डिवाइड हो जाता है 9 के टेबल में 3 टाइम्स में, 27 सम डिवाइड हो जा रहा है 3 टाइम्स में, मतलब ये जो नंबर है, यस 50598 इज़ डिविजिबल बाय 9। अगर सम डिविजिबल हो गया 9 से, मतलब वो जो नंबर है, यहाँ पे 5 डिजिट का नंबर था वो भी डिविजिबल हो गया 9 से। सी द नेक्स्ट एग्जांपल, अगर सपोज नंबर है 29304, तो सम करेंगे डिजिट्स का, डेट इज़ 2 + 9 + 3 + 0 + 4। तो 2 + 9 इज़ 11, 11 + 3 इज़ 14, 14 + 0 इज़ 14, 14 + 4 इज़ 18। 18 डिवाइड होता है 9 से 2 टाइम्स में, जो सम डिविजिबल हो गया 2 टाइम्स में, मतलब ये जो नंबर है 29304 ये भी डिविजिबल होगा 9 से। यस, 29304 इज़ डिविजिबल बाई 9।
एट का क्या सीखे, एट में देखे कि अगर टू डिजिट नंबर है तो डिवाइड करके देखेंगे, अगर थ्री डिजिट नंबर है तो भी डिवाइड करके देखेंगे, अगर फोर या फोर से ज़्यादा डिजिट्स वाले नंबर है तो हम लोग क्या देखते हैं, लास्ट थ्री डिजिट देखते हैं। लास्ट थ्री डिजिट क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे, अगर लास्ट थ्री डिजिट डिविजिबल होगा तो मतलब पूरा नंबर डिविजिबल होगा। नाइन का क्या किया, नाइन में होता है कि सम ऑफ द डिजिट्स डिवाइड करते हैं नाइन से, अगर सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई नाइन मतलब वो जो ओरिजिनल नंबर है वो भी डिविजिबल होगा नाइन से। नेक्स्ट इज टेन, अ नंबर इज डिविजिबल बाई टेन If the last digit is zero, a number is divisible by 10 if the last digit is zero. सिर्फ zero ही रहेगा तभी divisible होगा 10 से. For example, 550, 150, 300, 20, 10050, डेट इज़ 10050, मतलब अगर लास्ट में वंस प्लेस पे ज़ीरो है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल है। अगर वंस प्लेस पे लास्ट डिजिट ज़ीरो नहीं आएगा मतलब वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट इज 11, 11 का क्या रूल है, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 11 इफ़ द डिफरेंस बिटवीन ठीक है, डिफरेंस क्या निकालेंगे, सम ऑफ द डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस, सम ऑफ द डिजिट एट odd places and sum of the digits at even places is 0 or multiple of 11. हम लोग odd places के digits को और even places के digits को add करेंगे, sum करेंगे, odd place का digits का sum अलग होगा, even places का digits का sum अलग होगा, और फिर क्या करेंगे, उनको subtract करेंगे, difference निकालेंगे, तो difference जो आना चाहिए वो 0 आना चाहिए या तो multiple of 11 आना चाहिए। ठीक है, चलिए example देखते हैं। 60874 ये नंबर है हमारा। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि ऑड प्लेस कहाँ से होगा, स्टार्ट करेंगे राइट कॉर्नर से, ये हो गया ऑड, दिस इज इवन, देन दिस इज ऑड, देन दिस इज इवन एंड दिस इज ऑड। ठीक है, राइट कॉर्नर से स्टार्ट करेंगे, ऑड इवन ऑड इवन ऑड, तो ऑड का सम क्या हो गया, ऑड का सम दैट इज 6 + 8 + 4, यह कितना हो गया, दिस इज 18, और इवन नंबर्स का सम कितना हो गया, इवन नंबर का सम दैट इज 0 + 7, ये हो गया कितना, 7 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऑड प्लेस का आया, सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज जो बड़ा होगा उसी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट इज 18 - 7, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। पहले क्या किए, नंबर्स लिख लिए, स्टार्ट के राइट कॉर्नर से, ऑड इवन ऑड इवन ऑड। ठीक है, ऑड का सम निकाले क्या हो गया, 6 + 8 + 4 विल बी 18 एंड 0 + 7 आ गया 7। अब क्या किए कि सम का डिफरेंस निकाल दिए, तो 18 - 7 विल बी 11, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 11 आया, दिस इज़ द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 11, मतलब ये जो नंबर है ये 60874 इज़ डिविजिबल बाई 60874 इज़ डिविजिबल बाई 11। ठीक है, सॉरी डिविजिबल बाई 11, यहाँ पे ज़ीरो आना चाहिए डिफरेंस या तो मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल 7909। ठीक है, ये हमें चेक करना है कि क्या ये डिविजिबल है 11 से, तो पहले लिख लेते हैं ऑड इवन ऑड एंड इवन, तो ऑड का सम क्या आ जाएगा, ऑड का सम दैट इज 9 और 9, ये हो गया 18, और इवन का सम इवन है 7 है और 0 है, दैट इज 7 + 0, ये हो गया कितना 7। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फिर से आया 18 - 7 दैट इज 11 आया, मल्टीपल ऑफ 11 है, तो 7909 इज डिविजिबल बाई 11, या तो 0 आना चाहिए या तो मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। ठीक है, तो योर होमवर्क इज दैट विल बी सॉल्विंग सेल्फ प्रैक्टिस 3B क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11, सॉरी 6, 7, 8, 9, 10 and 11, 6, 7, 8, 9, 10 and 11 इन अ मैथ्स कॉपी। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।